प्रेवलेंस एंड कोमोर्बिडिटी ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर। तो जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है अब वो किस हद तक जनरल पॉपुलेशन में और क्लिनिकल पॉपुलेशन में प्रवेल कर रहा है और जेंडर रेशो उसकी कितनी है। इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि जो उसकी कोमोर्बिडिटी है विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेवलेंस देखते हैं। तो प्रेवलेंस के रेफरेंस में ये कहा जाता है कि जो सिलेक्टिव म्यूटिज़म है वो एक बहुत रेयर डिसऑर्डर है। अच्छा, जब ये कहा जाता है कि ये रेयर डिसऑर्डर है तो हम इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आमतौर पर फैमिलीज़ का ये ख्याल होता है कि बच्चे इस प्रॉब्लम से आउटग्रो कर जाएंगे, तो दैट माइट पॉसिबल कि वो रिपोर्टेड ही केसेस नहीं है। इट माइट बी द वन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो पॉइंट प्रेवलेंस इसकी मौजूद है डिफरेंट क्लिनिक्स में, स्कूल्स में, वो 0.03 से लेकर 1% तक है। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर, किसकी क्लिनिक्स में, स्कूल में या जनरल पॉपुलेशन में किस तरह प्रिवेल कर रही है। इसी तरह ये यंग एज के अंदर जो है वो ये डिसऑर्डर बच्चों में प्रिवेल करता है रादर देन एडोलसेंस एंड एडल्ट में। ये कहा जाता है कि एडोलसेंस की एज में या एडल्टहुड की एज में जाते तक बच्चा इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेता है और वो इसे आउटग्रो कर जाता है, लेकिन सोशल एन्जाइटी का प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर प्रिवेल करता है। इन रेफरेंस टू जेंडर इट इज़ इक्वली प्रिवेल्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो इसके बाद हम बात करते हैं कोमोबिडिटी की। तो जब हम कोमोबिडिटी की बात करते हैं तो कोमोबिडिटी का मतलब आपको पता है कि क्या है, दैट इज़ द को अकरेंस ऑफ अनदर डिसऑर्डर। अब मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म है, तो और कौन सा डिसऑर्डर है जो उसके साथ होने के चांसेस हैं। उसमें सोशल एन्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, सेपरेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेसिफिक फोबिया हो सकता है। यानी ये मुमकिन है कि अगर एक बच्चे को सोशल एन्जाइटी है या लोगों से मिलने में एन्जाइटी वो फील करता है तो वो शायद जो है उसके अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज़म का प्रॉब्लम भी मैनिफेस्ट हो। इसी तरह अगर एक बच्चा जो है वो अपनी मदर से या केयर गिवर से अलग नहीं हो पा रहा और उसके अंदर सेपरेशन एन्जाइटी है और जैसे ही क्लास में या स्कूल में उसे छोड़ा जाता है और वो एंग्शियस हो जाता है कि उसकी जो मदर है या उसका जो केयर गिवर है वो बाहर नहीं मौजूद, तो इस तरह के बच्चों के अंदर भी आम कभी कभी देखा गया है कि सेलेक्टिव म्यूटिज़म जो है वो एग्जिबिट कर जाता है। इसी तरह स्पेसिफिक फोबियाज, अगर बच्चे को किसी खास चीज़ से डर लगता है या खौफ है तो उसकी वजह से भी सर्टन टाइम हमने ये देखा है कि बच्चों के अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज़म जो है वो डेवलप हो जाती है। और वो सर्टन, जिस तरह कोई सोशल सिचुएशन है जहाँ पर जाने से वो घबराता है तो वो वहाँ पर जाएगा तो वो मोस्ट लाइकली कि वो किसी से इंटरेक्ट ना करे, वो किसी को जवाब ना दे, तो इट माइट पॉसिबल। देन द ऑपोजिशनल बिहेवियर्स, ऑपोजिशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर एंगर, हॉस्टैलिटी, एग्रेशन जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है, उनके अंदर भी देखा गया है कि सेलेक्टिव म्यूटिज़म जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज़म वहाँ पर डेवलप होगी जिस ऑपोजिशनल बिहेवियर के अंदर उसको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यू मस्ट बी कीप दिस थिंग इन योर हेड। देन हम बात करते हैं कम्युनिकेशन डिलेज के और डिसऑर्डर्स के। ठीक है, अब जिस तरह हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को स्टटरिंग का प्रॉब्लम है, आप स्टामरिंग जिसे कहते हो, जिसे हम उर्दू में हकलाहट कहते हैं, तो इट मे पॉसिबल कि हकलाहट है उस बच्चे को और वो घर के अंदर फिर भी बोल लेता है, लेकिन जब वो बाहर सोशल सिचुएशंस में जाता है या क्लासरूम में जाता है तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। तो दैट इज़ समथिंग कि वो सर्टन सोशल सिचुएशन में नहीं बोल रहा। इसी तरह अगर किसी को प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम है, आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है और वो आर्टिकुलेट वर्ड सही नहीं कर पाता, तो इट माइट पॉसिबल कि वो स्कूल के अंदर जो है वो बात ना करे लेकिन घर के अंदर बात करे। इसी तरह अगर बच्चे के पास लिमिटेड वोकैबुलरी है और वो उस लिमिटेड वोकैबुलरी की बेसिस के ऊपर स्कूल में बात नहीं कर पा रहा, तो इट माइट पॉसिबल कि वो कम्युनिकेशन डिले की वजह से उसके अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज़म जो है वो भी को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब को एग्जिस्टेंस हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये डिसऑर्डर तो है ही है, सोशल एन्जाइटी तो उसको है ही है, इसके साथ साथ
वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो है वो प्रेजेंट कर रहा है बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन टॉकिंग इन सर्टन सिचुएशन। सो दैट्स वाई कि हम ये कह रहे हैं कि ये डिसऑर्डर जो है ये कोमोबिट कर सकते हैं।